तो कभी आके देखती थी मेरे दोनों बच्चे बिस्तर में सो रहती है, खाना नहीं खाते थे। क्यों? मैं पूछती थी क्यों खाना नहीं खाया, बड़ी बेटी बोलती थी मम्मी कुकर खोल नहीं पाया इसलिए हम दोनों खाना नहीं खा के सोया है। तो मेरा बहुत दुख लगता, भाड़ा नहीं होते थे गाड़ी भाड़ा, तो हम दोनों ने प्रोडक्ट हमारी बैग में 150-200 रुपया का प्रोडक्ट हमेशा रहती थी। कंडक्टर को बता के एक अगरबत्ती का पैकेट, कभी एक साबुन देते थे, कंडक्टर लेने नहीं मांगते थे, जबरदस्ती हमने रिक्वेस्ट करते थे सर हमारे पास पैसा नहीं, हम लेडीज है, कम से कम इतना तो दया कीजिए, एक साबुन लीजिए ना, आपको तो पैसा से खरीदना ही, जानती हूँ मैं एक पेड़ हूँ, पत्ता झड़ गया कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा पत्ता बना लूंगी, मैं पेड़ बन के जिया और पेड़ की तरह मैं पत्ता बनाते गया बनाते गया बनाते गया। आज मेरे सारे आसाम, अरुणाचल, बंगाल, झारखंड, बिहार, पंजाब में भी मेरा बिजनेस फैला गया। मैंने विश्वास नहीं किया इस गरीबी का समय में कहाँ से 50,000 रुपया आया। मेरी बेटी 18 साल हुई, उसको भी मैंने आरसीएम का जब बर्थडे गिफ्ट में आरसीएम का आईडी नंबर ही गिफ्ट दिया, छोटी बेटी को मैं आरसीएम का बर्थडे गिफ्ट आरसीएम का आईडी कार्ड ही दिया। इस तरह करके हम दोनों बेटी को भी मैं अभी आरसीएम के ही सब कुछ सिखा रही हूँ। मैं 2006 में आरसीएम में जोड़ा था, जोड़ने के बाद मुझे सबसे पहला मीटिंग मिला बीसी सर का मीटिंग जोरहाट में। तो मैं आसाम की रहने वाली हूँ, आसाम की एक टाउन है जोरहाट, उस जोरहाट टाउन में मैं गया था और ज्वाइन होके गया। उसमें मुझे बीसी सर का एक बात सुनने मिला था, कोई अभागा नहीं है सिर्फ जागा नहीं है। वो बात सुनने के बाद मैं आई, आने के बाद रात दिन आरसीएम के पीछे, किस कैसे आरसीएम सीखू, आरसीएम किस तरह से सीखने मिला, सीखने का ऊपर ध्यान लगाया। इससे पहले मैं एक स्कूल की टीचर थी, वो स्कूल को छोड़ने के मैं मुकाम में थी और ट्यूशन करती थी, ट्यूशन भी छोड़ के मैं आरसीएम सीखने के लिए रात दिन प्रयास करते थे। तो प्रयास करते समय मेरा एक सीनियर था बहुत दूर में, उन्होंने मुझे गाइड करते थे। तो उस समय मैं 2006 के कहानी है, उस समय 1 रुपया का मोबाइल का कॉइन्स, मोबाइल में फोन होते थे 1 रुपया का, वो 1 रुपया में डाल के मैं सार को बुलाती थी, सार आइए मुझे सिखाइए, और सिर्फ मुझे 10,000 रुपया चाहिए, क्या करने से मुझे 10,000 रुपया मिलेगा वो सिखाइए। तो सार ने बोला इस तरह आपको प्लान सीखना पड़ेगा। तो प्लान सीखने के लिए मेरा पास पेपर नहीं था, मैंने एलआईसी ऑफिस गया, एलआईसी ऑफिस से एजेंट से पेपर मंगवाया, पेपर का उल्टा साइड में व्हाइट रहता था, वो व्हाइट पेपर में मैं ड्रेसिंग टेबल का बगल में बैठ बैठ के प्लान सीखते था रोज। मेरे दो छोटी बेटी थी, बड़ा बेटी थी 4 साल की, छोटा बेटी थी 2 साल की, दोनों बेटी को लेके मैं जब वो लोग सो जाती थी तो ड्रेसिंग टेबल का बगल में बैठ बैठ के मैं प्लान सीखती थी। प्लान सीखते 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 जब एलआईसी का पेपर मेरा पूरा इतना थक हो गया, उस समय मैं सीनियर को बुलाया, आज आइए मुझे चेक कीजिए मैंने प्लान सीखा है। तो सर आया, आने के बाद मेरा प्लान चेक किया, चेक किया, बोला परफेक्ट हो गया, आप उतरिए फील्ड में। तो मैं फील्ड में जाने चालू किया, गया, जाने के बाद धीरे धीरे मेरा हस्बैंड बाबला जी भी पॉजिटिव हुआ, दोनों हम लोग, उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ दिया, मैंने भी स्कूल छोड़ दी, दोनों हम लोग आरसीएम में लगा। आरसीएम में 70,000 बिजनेस होने के बाद सीनियर का कॉल आया भिलवाड़ा जाने पड़ेगा, तो हम दोनों भिलवाड़ा चला गया। भिलवाड़ा जाने के बाद सबसे पहले मैं टीसी सर की रूम में गया और टीसी सर को देखने के साथ साथ पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं रोने लगा। सर पूछा क्या हुआ बच्चे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, सिर्फ रोया 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 और कुछ भी नहीं बोला, वहां से निकल के आ गया। आने के बाद मैं आसाम आया, आने के साथ साथ मेरा भी रॉयल्टी हुआ, 4.5% रॉयल्टी हुआ, मेरा बाबला जी का भी रॉयल्टी हुआ, 3% रॉयल्टी। तो मैंने सोचा चलो मैं उनसे आगे आ गया। तो इस तरह हम दोनों काम करते गया। तो एक दिन आरसीएम हमको छोड़ के चला गया, तो हमारा जिंदगी बहुत तकलीफ में आ गया। हम, मेरे दोनों बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, आरसीएम का आशा भरोसा में इंग्लिश स्कूल में दिया था। तो एक साल हम लोग दोनों का पूरा कर्ज होने लगा, क्योंकि भी देने नहीं पाती थी, तो हमारी कर्ज बहुत होने लगा, तो बहुत दुखी होने लगा। तो मैंने किया, क्या क्या करूँ, बच्चे को तो चलाना पड़ेगा, ओरिफ्लेम बिजनेस में जोड़ा। ओरिफ्लेम में मैं 3 महीना में मैनेजर हो गया और पति को भी ट्रेडिशनल बिजनेस लगवा दिया, और रोज
और सीनियर को कॉल करते थे, आरसीएम कब ओपन होगा, कब ओपन होगा, तो आज होगा कल होगा, आशा आशा करते करते चली गई, आरसीएम नहीं आ रहा है, दिन बे दिन हमारा खराबी पे जाते रह गया, तो हमारी बहुत कर्जा होने लग गया। एक दिन क्या हुआ, एक पियोन आया और मेरे हाथ में दो चेक समझ दिया, तो मैंने क्या किया, हम उस समय हमारी घर की कंडीशन बहुत खराब थी, और एक दो चेक आया, एक चेक उनकी था 22,000 प्लस, और मेरा था 17,000 प्लस, टैक्स का पैसा आया, तो मैंने विश्वास नहीं किया, इस गरीबी का समय में कहाँ से 50,000 रुपया आया, मैंने विश्वास नहीं किया, और बार बार मेरे आंखों को पोछ पोछ के देख रहा है, सच में मेरा नाम का चेक है? पियोन बोला हाँ आपका नाम के है चेक, साइन कीजिए, बार बार मुझे साइन करने बोल रहा है, मैं लेके भी छोड़ देती हूँ, बार बार पूछ रहे हो, उन्होंने बोला आप क्या पागल हो गया, ये आपका ही चेक है, तो मैंने चेक में सिग्नेचर किया और लिया, पियोन को लिया, लेने के बाद मेरा हस्बैंड को फोन किया, बाबला जी को फोन किया, आप कहाँ पे हैं, जल्दी आइए, हमारे घर में चमत्कार हो गया, आरसीएम का कुछ आया, तो उन्होंने भी आया, हमारा घर में 50,000 का एक के चेक, दोनों चेक मिला मिला के 50,000, तो चलिए हमारा स्कूल का फीस घर भाड़ा दे के हम थोड़ा रिलैक्स आ गया, आरसीएम आज आएगा कल आएगा, और उसी समय हमारे घर में सुबह एक एडवाइजर आते थे, शाम को एक एडवाइजर आते थे, मतलब कोई एल्टोस, कोई नेचर हुए, कोई क्या, कोई क्या, 250 नेटवर्क कंपनी हमारे घर, हम दोनों के टारगेट था और हम दोनों के पास ही आने लगा, और मैंने भी सोचा दिल खराब करके क्या फायदा है, चलो इनका बात सुन लो, सुनते 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 मेरा दिमाग में जितनी भी कंपनी का प्लान है सारा प्लान मैंने देख लिया, सीख सुन लिया, सुन सुन के मैंने नॉलेज इकट्ठा किया, मैंने सोचा कभी तो काम आएगा, तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन सुनने मिला आरसीएम ओपन हो गया, तो आरसीएम ओपन होने के साथ साथ आरसीएम जब जिस दिन बिजनेस फाइनल होने के बाद आरसीएम बंद हुआ था, खुलने के साथ साथ हमारी फंड ट्रांसफर हो गया, फिर मेरा हम दोनों का 50,000 कमीशन आया, तो हम दोनों ने 50,000 लेके थोड़ा रिलैक्स हुआ, और एक साल हम पुराना कोड में काम किया, तो करते करते देखा मेरा अपलाइन में भी कोई नहीं है, लाइफ लाइन में भी कोई नहीं है, सिर्फ मुन्ना श्रेष्ठा ही था, मुन्ना और मैंने काम करते गया करते गया, एक साल तक हमारा कुछ डेवलप नहीं हुआ, तो एनएस खान सर मुझे एक स्पॉन्सर भेजा कोलकाता से, बोला आप असम में ये स्पॉन्सर से जोड़ जाइए, तो मैंने उसी दिन फिर से नया 2013 5 सितंबर को फिर से नया कोड लगवाया, और धीरे धीरे मैं फिर काम करते चले गए, करते करते एक साल बाद मेरा रॉयल्टी हुआ, रॉयल्टी होने के बाद मैं धीरे 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 बिजनेस को बढ़ाते गया, और इसके बीच में मेरे दो छोटी बेटी थी, बेटी को लेके मैं बहुत तकलीफ में था, कभी कभी बेटी को स्कूल में भेज देती थी और स्कूल से लाने के लिए फिर उनको फोन कर आप कहाँ है आप लेके आइए, और कभी कभी मैंने पड़ोसी का घर आरसीएम का मीटिंग जाने पड़ता था, जाते समय मैं बच्चों को क्या करूँ, एक तो पैसा नहीं है, दूसरा तो बेटी को क्या करूँ, तो पड़ोसी का घर में जब बेटी को छोड़ के जाती थी तो पड़ोसी ने मुझे चिढ़ाते थे, बोलते थे बच्चे छोड़ के कहाँ जाते हैं, तो मैंने उस समय अनूप शेखावत और ऋतिका राठौर का एक कैसेट सुना था, जो आज बच्चे को छोड़ के जाओ माँ की दिल है दर्द लगेगी, कल अगर बच्चे कुछ मांगेगा तो नहीं देगा, वो दुख सह पाएगी तो आप नहीं जाओ, अगर वो दुख सहने नहीं पाएगी तो आप निकल जाओ, वो बात सोच के मैंने क्या करती थी बच्चे को छोड़ के चली जाती थी, और जाने के बाद मेरा बहुत दुख लगते थे, जाते समय भगवान के पास एक ही बात बोलती थी, भगवान मैं ये बेटी का कोई नहीं हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ, आपने भेजाया आपने इसको रक्षा करो आपने इसको देखभाल करो, मैं जा रही हूँ, इस तरह बता के मैं निकल जाते थे, तो कभी आके देखती थी मेरे दोनों बच्चे बिस्तर में सो रहती है, खाना नहीं खाते थे, क्यों मैं पूछती थी क्यों खाना नहीं खाया, बड़ी बेटी बोलती थी मम्मी कुकर खोल नहीं पाया इसलिए हम दोनों खाना नहीं खा के सोया है, तो मेरा बहुत दुख लगती थी, तो फटाफट उन दोनों को खाना देती थी, और कभी कभी एक हफ्ता के लिए मैं बाहर चली जाती थी, तो मेरा पति ने उन दोनों को स्कूल का ड्रेस पहनाता था, जूता मोजा पहनाता था, चूल तो बाल ठीक कर देते थे, और उनका माइंड में होते थे जब घर में मम्मी नहीं होता है तो ये काम पापा को करने पड़ता है, तो इस तरह का वो भी, मैंने जब एक हफ्ता बाद घर आती थी तो उन्होंने मेरे को बहुत दुख से बोलते थे, मुझे जब उन लोगों को ड्रेस पहनाते थे
उस समय ऐसा मालूम होते थे मम्मी बच्चा पापा नहीं हुआ, मम्मी नहीं होने वाला बच्चे को पापा नहीं पालते हैं, मैं भी इसी तरह के। तो दोनों ने, हम दोनों पूरा प्रयास किया कैसे आगे बढ़ू। तो हम दोनों को जब भी रास्ता में निकालते थे कोई ना कोई RCM भाभी आए बोल बोल के चिढ़ाते थे, तो हम सुनते नहीं थे उन लोगों का बात, हमको सुनना नहीं था। हमने पॉजिटिव थिंकिंग में चला था और एक ही बात सुना दिल में रखता था। लाख का डेफिनेशन मुझे मालूम थे, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मैंने सोचा मैं जो भी काम ट्रेडिशनल मार्केट में करता हूँ वो सही काम नहीं है, RCA में सही काम है, इसमें परमपिता परमात्मा का दान है, इसीलिए मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं। जो भी किया प्रेजेंट के लिए किया, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं RCM को दिल में लगा के रखा और इसको कभी छोड़ने का कोशिश नहीं किया। तो इस तरह धीरे धीरे मेरे बेटी बड़े होते गया। आज मेरे बेटी जब छोटी बड़ी बेटी 18 साल हुई, उसको भी मैंने RCM का बर्थडे गिफ्ट में RCM का ID नंबर ही गिफ्ट दिया। छोटे बेटी को मैं RCM का बर्थडे गिफ्ट RCM का ID कार्ड ही दिया। इस तरह करके हम दोनों बेटी को भी मैं अभी RCM के सब कुछ सिखा रही हूँ। अभी मेरे बड़े बेटी BCom पास किया, छोटे बेटी BSc सेकेंड सेम में है। सिर्फ उन 17 साल में उन दोनों RCM के सब कुछ सीख रहा है। तो इस तरह हम दोनों का जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन हम कभी पीछे नहीं मोड़ के देखा, सिर्फ RCM RCM RCM। आज तक मैं अब भीलवाड़ा 9 बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं RCM छोड़ के कभी किसी का तरफ नहीं देखा, एक ही रास्ता चुना, सिर्फ RCM RCM RCM। RCM का RCM में जो भी प्रोडक्ट है बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को छोड़ के मैं बाहर का प्रोडक्ट के बाद कभी सोचने का भी मैंने सोचा नहीं। इस तरह मैंने RCM को ऊपर मेरा बहुत बार बार एक के पीछे एक बड़े बड़े मेरे पास तूफान आया, जितनी भी तूफान आया मैं मजबूती से उस तूफान का साथ लड़ाई किया। लड़ाई करते करते RCM मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, फिर से मैं रॉयल्टी मिला, टेक्निकल मिला, आज टेक्निकल का मुकाम में हूँ। तो बहुत सारे मेरा कहानी है, इस तरह मैंने क्या किया। दो दो बार मेरा परिवार में खाने का कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कभी पीछे मोड़ के नहीं देखा, सिर्फ RCM के सोचा। मुझे एक बात मालूम था, मैं पढ़ा लिखा किया हूँ, हायर एजुकेशन है मेरा पास। तो मैं सोचती थी मेरा पास माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, तो लक्ष्मी कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, लक्ष्मी मेरा पास आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैंने लक्ष्मी को छोड़ा नहीं, लक्ष्मी मेरे पास आना ही पड़ेगा। और भगवान के पास हमेशा बोलती थी, लक्ष्मी मेरे छोड़ के नहीं जाओ, सरस्वती तुम है तो लक्ष्मी तुमको आना ही पड़ेगा। इस तरह रो रो के मैं भगवान के पास रोज एक ही प्रार्थना करती थी। और आज सही में मेरा पास लक्ष्मी माता भी है, सरस्वती माता भी है, दोनों माताओं को लेके मैं, दो बेटी को लेके मैं चल रही हूँ। तो इस तरह का जैसे जैसे मैं दिन बढ़ते गया, ऐसे ऐसा मेरा पास बहुत आंधी तूफान भी आते गया। मेरा आसाम में कोई अपलाइन भी नहीं था, कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं कंपनी में फोन कर करके कुछ काम करती थी, तो बिजनेस को बहुत बड़ा भी कर लेते थे, बीच में फिर बिजनेस कम भी हो जाते थे। तो हमारे जिंदगी जिस तरह अप डाउन होते थे, बिजनेस भी अप डाउन होते, उसमें मैं कोई मायूस भी नहीं होता है, कभी दुख भी नहीं करती थी। मैं जानती हूँ मैं एक पेड़ हूँ, पत्ता झड़ गया कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा पत्ता बना लूंगी। मैं पेड़ बन के जिया और पेड़ की तरह मैं पत्ता बनाते गया। आज मेरे सारा आसाम, अरुणाचल, बंगाल, झारखंड, बिहार, पंजाब में भी मेरा बिजनेस फैला गया, क्योंकि मैं कभी पीछे घूर के नहीं देखा। इस तरह करते करते एक दिन मैंने RCM जैसे बिजनेस में शानदार प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे बहुत बड़ा सपना था। मैं कभी टीवी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था सीरियल, छोटा में जब सीरियल देखता था, सीरियल में कैसे घुसते हैं। तो RCM मिलने के बाद मुझे ये सपना भी पूरा हुआ, अभी मैं टीवी में सीरियल बनाती हूँ और लोग सीरियल देखते हैं। तो सीरियल का शौक रहा, वो शौक भी मेरे RCM पूरा किया। गरीबी का शौक भी, गरीबी में मुझे पसंद नहीं था, क्यों, मैं रिच फैमिली से बिलोंग्स करती थी और गरीब मुझे पसंद नहीं था। वो गरीबी भी RCM मुझे
हटा दिया। सारे जितने भी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसका आंसर सिर्फ आरसीएम में है। आरसीएम अशिक्षित को शिक्षित बनाते हैं, आरसीएम अनपढ़ को समझदार बनाते हैं, आरसीएम सबको सिखाते हैं। इसीलिए मैं हर महिलाओं को बताती हूँ, महिला मल्टीटास्क है, ये मल्टीटास्क काम में यूटिलाइज कीजिए। आज महिलाओं का जो महिला सशक्तिकरण का जो बीसी सर ने जो अभियान छेड़ा, महिला मल्टीटास्क ब्रेन को यूज करने के लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें दिया, इसमें आ आके आज जितना दिन तक तो आया सारे महिला अपने अपने हिस्ट्री बताया। और एक कहानी था, मेक द स्टोरी टेल द स्टोरी एंड सेल द स्टोरी, तो हमें स्टोरी बनाया था, अभी यहाँ इसमें टेल किया और धीरे धीरे ये स्टोरी हमारा सेल भी हो जाएगा। तो इस तरह हमें रॉयल्टी का जो सपने होता है, इस स्टोरी से हमें रॉयल्टी भी मिलेगा और जिंदगी भर हमें रॉयल्टी का इनकम भी आते रहेगा। तो मैं हर महिलाओं को अनुरोध करती हूँ, इसमें सिखाने वाला सब कुछ है, सिर्फ आपका अंतरात्मा को जगाइए और साथ दीजिए, साथ हमारे हाथ में हाथ मिलाइए, आपको उठाने वाला सब कुछ सबका ही है। आज कल्याणी मैम ने जो इस प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण का ये अभियान छेड़ा रखा है, इसमें भी तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैम ने मुझे ढूंढ के निकाला और मैंने इसमें आया। तो मेरा सुबह से शाम तक बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं सबसे पहला, मेरे सुबह 8 बजे टेक्निकल मीट रहते हैं टीसी सर के साथ, वहां भी रहता हूँ। उसके बाद किचन है, उसके बाद मेरा पिकअप सेंटर है, उसके बाद मेरे घर है, उसके बाद मेरा मीटिंग होते हैं। तो मैं आसाम की सीनियर हूँ, तो मेरा काम भी थोड़ा ज्यादा है। रॉयल्टी अचीवर को लेके बैठने पड़ता है, वाइटल को लेके बैठने पड़ता है, टेक्निकल अचीवर को लेके भी बैठने पड़ता है। तो मेरा बहुत बिजी होने के वजह से मैं 1 PM जेआरसीएम में वीडियो ऑफ ही रहता था, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में रहती थी। लेकिन सारे जो जो लेडी वीरांगना है, सारे वीरांगना का कहानी मैं सुनती थी, मधु मैडम की, कल्याणी मैम मुझे ढूंढ के निकला। कल्याणी मैम को मैं कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं, उनको बाय हार्ट तहे दिल से मैं बार बार सैल्यूट करूंगी, क्योंकि मुझे उन्होंने आपका इस प्लेटफॉर्म में निकाल के ढूंढ के निकलाया। तो मैंने चुपचाप से था, क्योंकि हमारी बिजनेस भी साउंडलेस रिवॉल्यूशन है। मैं भी सोचा 1 PM में साउंडलेस होके मैं रहूंगी, सीखूंगी, लेकिन मैम ने मुझे निकाल दिया। आरसीएम बिजनेस जैसे आर्थिक आजादी का अभियान है, इस अभियान में लोगों को पता नहीं है किस तरह साउंडलेस रिवॉल्यूशन चल रहा है। आर्थिक आजादी, हम महिलाओं इतना दिन पुरुष लोग बिजनेस करते थे, अब जब से महिला इसमें जोड़ने लगा तो बिजनेस कंपनी का टर्नओवर भी दुगुना चार गुना हो गया है, क्योंकि महिला की बहुत बड़ी क्षमता है। उस क्षमता को निकालने के लिए हमें पूर्वपुरुष तक निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया था। आज बीसी छार, मुझे पता था, भागचंद छाबड़ा, जिन्होंने हम महिलाओं को, हर महिला को भाग्य को चेंज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, और हर महिला आज भाग्य के अपने अपना भाग्य विधाता का मालिक बनने को लगा। तो इन्होंने उनको हम परमपिता परमात्मा के पास, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हम महिलाओं को, इतनी दिन तक हम महिलाओं को दिमाग कुछ और चलता था, अभी हम महिलाओं का दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव का सब हट के पूरा दिमाग में पॉजिटिव भर के, हमारी जो इस दिमाग में जो लैंड है, इस लैंड में पॉजिटिव पे पॉजिटिव भर गया है। क्यों? इस लैंड में 1% भी नेगेटिव का जगह ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्यों? 1 बजे के पहले हर किसी ने अपना अपना ड्यूटी है। हम महिलाओं का एक एक्स्ट्रा ड्यूटी भी होता है, पुरुष का यदि 4 ड्यूटी है, महिला का 5 ड्यूटी होता है, एक किचन भी होता है, वो किचन भी संभालने पड़ता है। फिर हम लोगों का सोलो सिंगार, इसमें भी हमें समय देना पड़ता है। ये सोलो सिंगार के सबसे सुंदर सिंगार है हमारी मुस्कुराहट।
बाकी 15 सिंगर में भी हमें टाइम देना होता है। तो मुझे बहुत खुश है, मैं कभी भी आरसीएम को कोई अगर कुछ बोला तो मेरा भीतर में, मेरा खून, मेरा रोम, मेरा सारे कुछ में, रात 3 बजे भी मेरा नींद जागते हैं तो सिर्फ आरसीएम में आते हैं। आरसीएम में किस तरह के मैं 100 लोग, 100 लेडीज को तैयार करूँ, किस तरह मैं अभी 10 वाइटल अचीवर को एक ट्रेनिंग सेशन चालू किया, वो वाइटल अचीवर को कसम खिलाया जब आप 10 10 को निकालना पड़ेगा। और टीसी सर का सामने में एक दिन वादा करके आया था जब मैं आसाम से 100 लेडीज को टेक्निकल बना के आपके पास में ले खड़ा करूंगी। तो इसके लिए मैं अभी उस प्रोसेसिंग में है, पता नहीं कब मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन मैं प्रोसेसिंग पीछे कभी हटा नहीं। मेरा एक ही सपना है, मैं किस तरह हर महिलाओं को आजादी देना चाहती थी, क्योंकि महिलाओं का कोई अस्तित्व पूर्व पुरुष से नहीं था। आरसीएम जब से आया हमारे पास तब से महिलाओं का अस्तित्व आया। हम महिलाओं को पुरुष ने चूड़ी पहना के घुसा के रखा था, आज महिला क्या किया, हजारों महिला अपने अपने घर में आर्थिक आजादी का झंडा लहराया। ये हजार महिला अगर हजार हजार को करेगा तो हमारे वर्ल्ड में रहेगा कोई गरीबी? हम जन्म तो लिया महिला होके, लेकिन अभी पुरुष बन के हम कन्वर्ट हो चुका हूँ। हम ऊपर से हम महिला का सोलो सिंगार, लेकिन हमारी अंदर आत्मा में हम पुरुष हो चुका है। यस और नो मैम, बताइए हम पुरुष हुआ कि नहीं? तो हम पुरुष हुआ तो हम पुरुष होके हम सभी महिलाओं को, हर किसी ने अगर 10 महिलाओं का जिम्मेवारी लेगा तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम पीछे नहीं रहेंगे, पूर्व पुरुष का रीति रिवाज को हम तोड़ के आगे निकलेंगे। यही हमारी सपना है, ये सपना पूरा करना हम सब लोग मिलेंगे। हम अकेले रहेंगे तो हम धागा है, हम सब मिलेंगे तो क्या हम कपड़ा होगा? हम अकेले महिला था तो हमारा कोई परिचय नहीं था, हम एक संगठन में आ चुके हैं। आरसीएम एक संगठन है, पवित्र संगठन में आया तो हम महिला का एक दल बनाना है। ये दल हम लोगों ने एक युद्ध अभियान में हम लोग शामिल होना है, और हर घर में, हर पड़ोसी को, हर लोगों को किसल जैसे शानदार प्रोडक्ट हमारी हाथ आया है। न्यूट्रिशन, मेरा एक ऐसा एक दिन गया था, न्यूट्रिशन 315 रुपया ओमेन खरीदने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। मैंने पीयूसी में जाके पीयूसी ओनर से बात बोल के 15 पैक 15 ठू न्यूट्रीचार्ज 150 रुपया में खरीदता था, और 15 ठू मैंने छिपा के रख के आता था। जिस दिन 315 रुपया पूरा होता था उस दिन सारा पैकेट लेके मैं खाया था। यही मेरा अंदर में सपना था। सेहत भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है। सेहत के लिए मेरा न्यूट्रीचार्ज ओमेन खाना लेना पड़ेगा, और बिजनेस के लिए मेरा न्यूट्रीचार्ज बना पीवी के लिए न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेना पड़ेगा। तो इस तरह में दो बार करके न्यूट्रीचार्ज। आज बहुत सारे महिला एक्सक्यूज देते हैं पैसा नहीं है, मैं यही बताती हूँ, पैसा किसी का पास नहीं होने के कारण ही आरसीएम करना पड़ेगा। मेरा पास जीरो था, कुछ नहीं था। जिस दिन आरसीएम दोबारा जोड़ने के लिए 1000 रुपया का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था, मेरे पास 1000 रुपया नहीं था। एनएस खान सर ने वहां 1000 रुपया का प्रोडक्ट खरीद दिया और मैंने आसाम में आरसीएम में जोड़ा, क्योंकि मेरा पास पैसा नहीं था। मैं लोगों को यही बोलती हूँ, आरसीएम पैसा नहीं है, जिसको उसी को करना पड़ेगा। बच्ची को भी बड़ा हो, आरसीएम बहुत बड़ा हो गया, 50 लाख का मेरा बिजनेस भी हो गया, 2 बेटी हायर एडुकेशन में भी आ गया। अगर उस समय मेरा बहाना होता था तो बेटी भी छोटा होता, बेटी को मैंने बेटी को इस तरह मेकिंग किया। छोटा में उन लोगों को बताती थी, बेटी का दो ऑप्शन होता है, एक तो पढ़ाई करो नहीं तो किचन में जाओ, आप कहाँ जाओगी? बेटी बोलते थे, ना मम्मी मुझे किचन नहीं जाना है, मुझे पढ़ना है। तो बेटी पढ़ने बैठ जाती थी। और दूसरा बात, रात को जब सोते समय उन लोगों को बताती थी, पापा देखो मैं रोज दिन बाहर जाती हूँ तो लोग अगर कुछ भी बदनामी करेगा तो बोलेगा मम्मी बाहर घूमते हैं, बेटी खराब हुआ, आप क्या चाहते हैं, मम्मी का बदनामी चाहते हैं? बेटी ने बोलते, ना मम्मी को मम्मी का बदला में ही आई है। तो जब बैठते थे, हमारे पास सिर्फ छोटा एक कीपैड मोबाइल था, बड़ा मोबाइल नहीं था।
पड़ोसी का नंबर काले करके लेके थी और पड़ोस फोन करती थी, जाइए ना थोड़ा खिड़की से मेरे विंडो खोल के, मैं विंडो खोला है मेरे बच्चे को देख के आइए। तो उन लोगों ने आके देखता था, हाँ आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह मैंने बच्ची को पूरा ध्यान दे के जहां भी गया मैं बच्चे को पहला संस्कार दिया, तो आपको पढ़ना है, आपको आगे जाना है। तो मेरे बेटे हायर सेकेंडरी में टॉप वन, मैट्रिक में भी टॉप वन, बड़े बेटी बीकॉम फर्स्ट क्लास ए ग्रेड में पास किया, छोटे बेटे भी शानदार रिजल्ट हो रहे। तो सिर्फ एकमात्र कारण कुछ नहीं, मैंने कुछ परवास नहीं किया, सिर्फ भगवान मुझे दुआ आशीर्वाद दिया, मैं सही काम किया। इसके लिए कभी कभी दोनों बच्चे जब सो जाते हैं बीच में बैठ के मैं रोती हूँ, तू कैसे माँ की घर में जन्म हुआ, कभी मुझे अच्छा से आया नहीं, बना के चला गया, खुद कुकर खुल के खाया, खुद निकाल के खाया। तो कभी कभी बहुत दुख लगते हैं और सोचती हूँ बेटी तो मेरा संपत्ति नहीं है, कभी तो फिर 5-6 साल बाद चला जाएगा। तो चलो कुछ दिन का मैं चौकीदार हूँ, चौकीदारी करके उन दोनों को पाला। तो ऐसे करके मेरा पहला एक बार RCM में रॉयल्टी टेक्निकल आया, फिर हमारी चला गया, फिर दोबारा से करके मैं यहाँ आया। तो मेरा 17 साल का जर्नी में बहुत बड़ा बड़ा कीर्ति काम करनामा हुआ, लेकिन मैं आज इतना मेरा समय भी नहीं आए, आज समझदार है तो इसी में समझ लिए, इसका अंदर में बहुत कुछ मेरा हुआ और बहुत मैंने झेला। मीटिंग में जाने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी ट्यूशन करता था ट्यूशन का पेरेंट्स को पास जाके एडवांस पैसा मांगता था, बहुत पेरेंट्स देता था, कोई नहीं भी देता था, लेकिन कभी किसी से कर्ज नहीं लिया था, और कभी लिया भी तो है टाइम से पहले मैं देती थी। तो इसीलिए मैं गरीबी में झेलना नहीं चाहता था, BC सर का यही कोई अभागा नहीं है, सिर्फ जागा नहीं है। तो मैंने जागा, जाग के अंडर करेक्ट नॉलेज लेके सिर्फ RCM ही करते गया, RCM ही करते गया, RCM ही करते गया। और मेरा साथ मुन्ना जी और मैं आसाम के दो ही व्यक्ति काम किया, और सारा आसाम को अभी कवर अप भी कर दिया। और दो व्यक्ति से मैं आदमी लोग बोलते हैं एक ही फाउंडेशन तैयार करो, बहुत शानदार फाउंडेशन तैयार करो। तो मैंने मुन्ना जी को और जमुना जी को ले लेके गया। जमुना जी को लेके जब मैं फील्ड में शुरू शुरू में उतरा, मेरी बाती बहुत छोटी थी, एक जमुना जी पकड़ती थी, एक मैंने पकड़ती थी। और प्लान दिखाने समय आते समय हम दोनों के पास भाड़ा नहीं होते थे, गाड़ी भाड़ा, तो हम दोनों ने प्रोडक्ट हमारी बैग में 150-200 रुपया का प्रोडक्ट हमेशा रहती थी, कंडक्टर को बता के एक अगरबत्ती का पैकेट, कभी एक साबुन देते थे, कंडक्टर लेने नहीं मांगते थे, जबरदस्ती हमने रिक्वेस्ट करते थे, सर हमारे पास पैसा नहीं, हम लेडीज है, कम से कम इतना तो दया कीजिए, एक साबुन लीजिए ना, आपको तो पैसा से खरीदना ही है। तो इस तरह हम लोगों ने साबुन कभी अगरबत्ती कभी हल्दी झलकी दे दे के हम दोनों ने मार्केट में काम किया। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा किसी का पास नहीं होता है, सिर्फ अपना दिमाग खोल के काम करना है। तो हमने दिमाग को खोला, और ये दिमाग में मैं लोगों को यही बोलती हूँ, हमारी दो पार्ट है, दिमाग को पार्ट को खुराक दीजिए, ऑटोमेटिक आपका सब कुछ हो जाएगा। हमारी 90% लोग 95% लोग दिमाग के नीचे के पार्ट की खुराक देते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ता है। मैं 5% में घुस के दिमाग में हमेशा खुराक देती थी और आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया।